पता होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी के अनुसार ये कि भी आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, घर वालों की कंडीशन क्या है, वो पढ़ा सकते हैं उस क्षेत्र में, आगे तक ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। फिर अंतिम बात यही है कि कब क्या और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसके लिए हमें एक गुरु की जरूरत होती है, उनकी आवश्यकता होती है। बिना गुरु के आप लोग एग्जाम्पल लोगे तो बाई चांस ही बहुत सारे कम स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं जो बिना गुरु के कामयाब हो जाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो। मेरा मानना है कि इस एरिया में सलीम जी का जो नाम चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इनके बहुत सारे स्टूडेंट कामयाब हो चुके हैं, हम कभी एक साथ पढ़ा भी चुके हैं, हमने पर्सनली देखा है कि इनका तरीका क्या है। तो इसी के साथ मैं अंतिम शब्दों को विराम दे रहा हूं और आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू दिनेश जी। देखिए दिनेश जी की ने एक बात बताई थी कि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ये शिक्षा का क्षेत्र जो है वो शिक्षा का गढ़ है, लोग यहाँ से जयपुर से जैसलमेर से जोधपुर से न जाने कहाँ कहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस क्षेत्र में हैं। भाटिया जी का बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में, यहाँ के जो बच्चे आज जो आप जगह जगह पर लाइब्रेरीज देख रहे हैं और जगह जगह पर आप पीजी देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है, और यहाँ से बच्चे न जाने कौन क्या बन करके जा रहा है, और ये अचीवमेंट राजस्थान की जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो सूरतगढ़ के हिस्से में आ रही है। तो आप लोगों के लिए बड़ा ही भाग्य के लिए बहुत ही चांसेस है कि आप भी जीवन में देखिए यहाँ उनकी शिक्षाओं को अपना करके उनकी जो कोचिंग्स है उनको फॉलो करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सो इसी क्रम में आप सभी लोग एक बार फिर राकेश जी को चाह रहे थे कि वो इस मंच पर आते, वो कुछ कहते, उनका था कि पवन जी जब आएंगे तब मैं सर जरूर कहूंगा, तो ये इनका दोबारा रिटेक हो रहा है, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए, आप जानते हैं कितने अच्छे वक्ता हैं वो, तो इस वक्ता को सुनने के लिए तो मैं भी वहां बैठे हुए सुन रहा था, मैंने बड़े गौर से सुना, रेली बहुत अच्छा कहते हैं, एक बार फिर आप बड़े ध्यान से इनको सुनेंगे। राकेश सर माँ तो धावर है आण को लारी तकड़ी तकड़ी बात, कई देर बाद कई देर बाद में आप राजस्थानी भाषा में कविता शायरी मोटिवेशन सारी चीजें और सुनो, एक छोटे टाबर बैठे सुनो भाई, फोन में देखो देखो सुनो, जानो कि नहीं कोनी जिमन को प्रोग्राम है, ध्यान रखिए समोसा मंगवाया है गरम गरम, बारह जाओगा इतना बिना मतलब धूसता फिरोगा, न्याय न्याय जिम लेगी बढ़िया, बिंग बाद में प्रोग्राम अपना डांस का भी चलेगा, क्यों छोटी हो टाबर बैठे है इन कोई मतलब कोनी मोटिवेशन की चीज है, संस्कृत का विद्वान आदमी संस्कृत के श्लोक आपकी बात शुरू करता होना भी चाहिए, सरस्वती माता की वंदना और करा, लेकिन आ उम्र है नहीं के काम करे बे बताता टैगोर यहां होता रविंद्रनाथ जी ओ करियो वहां बलिदान करियो गांधी जी करियो ई उम्र ने ठई को नहीं बलिदान के वे क्योंकि आ दियो ही को नहीं अजे अब वो पहला कहते हुआ है बलिदान कोई बलिदान मतलब को नहीं आ उम्र है कान तो मोटा बक्सा ले दियो काचा विधाम पाका विधाम काचा विधाम पक्का विधाम ए सुन लेनी आनी लगे प्रोग्राम सुधा को रेवे और जब तक लास्ट में ये रहतो भी का तो डांस ना देखता और का ये देख वो करता भी मोटा मोटा कार्टून लेके कौन आई है मोटोड़ा कार्टून आ जाते नहीं जब मन में बार की मोटिवेशन चले मां ये चाहतो कोई ये तो पता साले है फिर दूसरो कोई कहतो कि ना ना बारे चीकनो चीकनो जम रियो और बूंदी तो है अब बूंदी है तो आप थोड़ी ज्यादा देर रुक जाओ बतासा हुआ थोड़ी कम देर रुका। देखो साथियों एक चीज और है आपकी जी की शिक्षा व्यवस्था है में थोड़ी सी एक दिक्कत है, अदर स्टेट का मां कोई भी बच्चों आपकी पढ़ाई करे तो वो आपकी भाषा में करे। गुरु जी प्रत्येक स्टेट का मां टॉपर तैयारी करे ना तैयारी मुश्किल को नहीं, मेरे सास रहे पंजाब का मां जरूरी तो कोनी है बात बतानी लेकिन फिर भी बतानी पड़े तो कोई भी
तंत्र आपके कल्चर ना आपकी भाषा में पढ़े बिंग दिक्कत को नहीं आवे कदी भी। पंजाबी में बातें पढ़े वह बातें अगर आप हिंदी में बतावानी तो जगह बच्चा को मीडियम पंजाबी है नहीं बी हूं बी विषय में बढ़िया पकड़ कौन बढ़े। दूसरी बात सलीम जी के बार पढ़ावा या कोई भी गुरुजन पढ़ावा थे एक चीज देखियो हिंदी तो अपनी माँ है राष्ट्रभाषा अपनी है हिंदी तो सम्मान करना चाहिए। आपा भी नहीं पढ़ा अंग्रेजी पढ़ा क्यों अंग्रेजी के बिना आज दुनिया में तरक्की कौन कर सकता। अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी उर्दू भी पढ़नी चाहिए अपन सारी भाषा पढ़नी चाहिए क्यों कि एक आधी भाषा पर दो तीन मजबूत हो जाओ बाद में कोई मोटिवेशन लाइन कोई दुनिया के बड़े शायर की कही है अगर वह अरबी या उर्दू माए वह अपन समझ में कोई नहीं कही की लाइन कोई नाम आगे राप था तो अपन ढाई कौन अपने राप हुए अपन ठाई को नहीं तो मैं कुछ सीखना जितो मिल जाए नहीं भी तो सीखो अलग अलग भाषा सीखो हर एक भाषा सीखो लेकिन आपनों जो को खुद को कल्चर है नहीं भी जरूर सीखो थे क्योंकि अंत तक अपन काम जो को है नहीं आपने जिसकी लैंग्वेज है वही काम आवेगी। अपन टाबर है बात सिखावा ये छोटे टाबर बैठे अब भारी काम की बात करूंगा बेटा मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का टावर नापा सिखा दिया सिखाना चाहिए कोई दिक्कत को नहीं लेकिन हकीकत बात होता हूँ कि जगह व्यंकरण आपा नहीं ब मैं आ टावर ठाट को नहीं ला रहे ना तो अठा ट्विंकल गुण है कोई मतलब को नहीं कॉलेज में जा इज्जत भले को ठा पड़ जाए ट्विंकल छो है आने कोई मतलब को नहीं है लेकिन एक चीज देखियो टावर रोए रो रो के मर जाए वो भी थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जोनी जोनी हा 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 के खांड खा के वो एक छोरो खांड खा के वो ओपन योर माउथ आपने खांड गुड़ खाया आपा गुड़ खाना गुड़ खावा आपा आपने टाइम में पिज्जो को नहीं हुआ आपने टाइम में रोटी के बीच में चटनी मिला के आपा पोंपलो खावा कठे खावा आपा और चीजा मतलब ही कोई नहीं अपन तो आपकी भाषा का जब आप टापर ने कितो रो तो वे दूसरी भाषा की कहते हो बिंग आराम को नहीं आवे लेकिन गोटे पर ले गए जन दादी ही तो ही करे डर तब ने ठाट आ जावा तो क्यों क्योंकि जुड़ेड़ो ही भाषा है ही भाषा जुड़ेड़ो है तो ही भाषा में कोई चीज बढ़िया तरीकों से समझा सको जिंडिया कहानी सुनाती दादी और जिंडियो सुनाती तो एक बात बताओ थे जिंडिया कहानी सुनाते थारो जिंडियो देख देगी लेकिन मैं शर्त लगाऊंगा तार साम आ जाए तो पहचान लो पहचान ये लेगा कि भाषा को मध्य में तो शानदार हो कि बेटा एक कर की बात है कि जिंडियो हो बिना मोटा मोटा कहा ना तो भाषा को संप्रेषण डिलीवरी जब इतनी बढ़िया है आपकी भाषा में नहीं आपकी मैड भाषा में तो बच्चों के काम करे बिन या नाके को मैं कोई बात सुन ला रही बिना दिमाग का मैं एक फिल्म चाले का मोटा मोटा कार ना आइया बिया अब्बा कड़िया बिंगी ओडा आज की कड़िया कर पोस के मतलब ही कोनी आज की कड़िया को सोनल रूपल की कड़िया गरे सुनाता अठे के महापुरुषा की कड़िया ए सुनाता छोटे बच्चा की तो सुनेड़ी को नहीं अंग तो वे डोरेमोन वे होएगा हरियाली पल्ली सी लेके उठ बोग रहे हकीकत बात है वो की वही कोनी की कोनी वे वो एक नोबिता है कहानियां भरी पड़ी है लेकिन वे कहानियां आप नहीं सुना थे देखियो ये जगह अब की कहानियां सुनना टब्बर है पिंडी की जगह पिंडी को नहीं भूखी है जगह भूखी हो पानी क्यों रोटी अच्छी लगे को नहीं अंत ये लगे वे डोरेमोन नोबिता है नहीं वे और ही की खाए अंठाई को नहीं आप रोटी जुड़ेड़ा स्वाद तो रोट खाए आवाज अपन लोकल की कहानियां सुना को उसका क्योंकि बे कहानियां के राजस्थानी में तो वो एक कोई आदमी नहीं वो चाइनीज आदमी भाषा की बात चलन आ रही है ना चूचो वाली आवाज हो रहा की तो कह वो चाइनीज कोई बीमार पड़े हो तो कन्ने कोई बेली मिलन गयो तो वो कन्ने जाके बैठे हो तो चाइनीज से कह दे तो चाउ मी चू चा करियो और बाद में बात को बात दियो बड़े अब वो बेली आपने लोकल को भी तो कौन समझ में क्यों भाषा को नहीं अब बाद में कहीं आगे पूछोगा के बोलियो की बोले चाऊ मी चू चा के इधर तो यहाँ करे और बाद में बाप को बात दियो बाद में डॉक्टर ढंगू संभाली थी तो सांस सड़े बार हवोक सी तरह नलकी दुबगी कि वो आगे ऊपर बैठ गयो ऊपर बैठ गयो तो अपनी भाषा को आदमी उधर तो कह दिया रखे दुष्ट खड़े हो पाइप दाब दी सांस को नहीं आ रहा है अरे भाषा एक ना है तो चाऊ मी चू चा की तो ही करो कोई मतलब की बात को नहीं है तो
भाषा के ऊपर आप मेन फोकस रखो आज को, तो ज्यादा से ज्यादा आपका वचन आपकी लैंग्वेज जोड़ो थे, क्योंकि जगह बुजुर्ग है, विशेष रूप में बूढ़ा आदमी बैठे है, मेरे वरिष्ठ भी है, जगह लोग अंग्रेजी नहीं जाने, बुढ़ापे में जगह टाइम में आपका कोई बात समझानी हो सी थारी भाषा हो सी राजस्थानी अरबी टाबर ने थे बना दी अंग्रेजी एकदम मशीन। अब गांव के मैं पड़ोस का मैं एक बार बात आई के नुई नुई बीननी आई है, और बात नुई बीननी के कह रहा आपके साथ सुनिए कौन कह के बेटा वो छोरो की नहीं क्यों कह बाइक लेके गए हैं, बाइक लेके बूढ़े ने समझ में कोई आने लगी, तो मां बात हो जाए जब तक अपनी लैंग्वेज सेम नहीं है, जब तक आपने दिक्कत आएगी टावरन पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, जो पढ़ाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका संस्कृति जोड़े रखोगा नहीं तो थारा बुढ़ापा में काम आएगा, नहीं तो इसी मशीना बनाते हो मन टावर पूछेगा गुरु जी थे थार टावर ने घट पढ़ाऊगा, थार तो बढ़िया फीस हो जाए दोबारा पढ़ा लियोगा, मैं पढ़ाऊंगा सरकारी में, सरकारी पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि सरकारी पढ़ाओ तो कम कम आपने जुड़े तो रहो, लेकिन दुनिया हो रही आंधी, पहला दिन प्राइवेट में पढ़ा के दूर, प्राइवेट को मतलब ये कौन है अपरला प्राइवेट, अपरला तो प्राइवेट तो सरकारी होता ही कौन है, तो प्राइवेट नाम है तो उजड़ जाए अपने उली करता फिर गलिया में, प्राइवेट स्कूल लगो प्रेम जी बैठे बहुत योगदान है बढ़िया ठीक है, इस बारे में कौन कुदान पढ़ना भी चाहिए, लेकिन ज्यादा आप बारह भेजा टापरा पर अंधा दूध पीसो भी लगाते हैं कई बार, फिर आप कहा कि विदेश भेजा वो टापर विदेश जगह से भेज दियो 20 साल की उम्र का माँ थारी गोत की तो लेके कौन आओ वो, अरे फिर वो दौड़े मूंगो पिन्न जाऊंगा के थे भी सेवा करा लेगा, भी टापर ने थे पीसा कमाने मशीन तो बना दी, लेकिन बुढ़ापो थाने एकलन काटना पड़ेगा, क्यों ना तो बेटा पर ने थे जोड़े रखियो पीसा कमाने की मशीन बना दी वो आपको काम करोगे, और दूसरे कल्चर में जाओगे अपने कल्चर ने फॉलो कौन करोगे, तो अपनी बुढ़ापा को सेवा कौन करोगे क्या मैं करोगे वो, और वो टापर तो आज तो आप टापर ने कह तो देवा भी आपने बेटा ई जात में वह ई रिश्तेदारी में आ गोत वह नानी की डालो दादी की डालो वो तो आपने सीधो लिया के बताओगे पापा तो ही। अब आप के गोत की है अब जो जात हुए कौन ध्यान, तो ज्यादा से ज्यादा आपका टापर ने संस्कृति जोड़ के रखो, संस्कृति जोड़ने का एक तरीको है कि अपनी भाषा भी जरूर सिखाओ, भाषा ज्यादा आदमी की मर्जी नहीं, बिंग बाद में लास्ट में कितनी बात मैंने समझाओ बिंग समझ में कोई नहीं आया, अपन से की बोलने लग रहे भी भाषा को अगर थे जीके पढ़ाने लग रहे हो तो टापर ने बढ़िया समझ में आओ, गणित अगर पढ़ने लग रही बाद में कोई चीज समझ में नहीं आने लग रही ठीक है ओके, पर के करेगा बाई से नाई मुड़ गए नाई से बाई मुड़ गए वामावर्तर दक्षिणावर्तर आपने तो घड़ी गोल हो जाए, लेकिन आपने सीधो बचाने मुड़ गए इन मुड़ गयो तो आप साकी जी पास लिया ना मैंने, लेकिन बोली जी दाई बाई कर दे तो अपनी अलग अड़की नहीं उठ गयो, अर की भाषा पेपर की इसी है गणित तक मान तो विशेष रूप हूँ सलीम जी को सब्जेक्ट है मेरे में मैं कहूंगा क्योंकि मन की कौन का बाद में सुनो वजन करने का मामलो है कि 5 आदमी एक काम ने एक दिन में करे मेरी कमजोर है गणित मैं पढ़ू ही कौन नहीं कहती मत भाई दिन कई बार तू मन सिखा दो पर बेली हुए नहीं पिंगे कदर भी है कौन वह बेली को पढ़े कोई राजी को नहीं, तो क्या 5 आदमी एक काम ने एक दिन में करे और 21 आदमी भी काम ने कितना दिन में कर सी, मैंने इस सवाल पर सालों तकड़ी झाड़ा है एक मैं पेपर मिल जाए तो मैं पूछू भी 5 आदमी काम कर लियो तो तेरे व्यक्ति है कि किसी किस बुलाना मेन उन्होंने तो टापर ने तंग करना है एजुकेशन सिस्टम ही सही हो रही आप, लेकिन फिर भी क्या करा सिलेबस दे दियो तो पढ़ना तो पढ़ा लेकिन आपकी भाषा में चीजा में तो आपने दिक्कत को नहीं ज्यादा समस्या हुई नहीं आपने राजस्थानी भाषा को धीरे धीरे माहौल बने रेट का बढ़िया प्रश्न आया है, मैं लारा उदयपुर में जयपुर तक आंदोलन करो लाखों लोगों को समर्थन मिलियो बिग बाद में सरकार ने थोड़ो अब जब की सरकार अगर झुक जाए मैं गहलोत जी थान ध्यान है अगर मारे तो उन्होंने जब ही झुक जाए तो बात ध्यान हो का काल ने नहीं कह देगा कि ये देखो जोर दे के मान्यता ले ली भाषा की तो बेबी चीज ने समझे, लेकिन रीट के पेपर में बात क्या करियो आपने अठे का लोकल का प्रश्न कर लिया बढ़िया बढ़िया प्रश्न कर लिया भी मेरे प्रश्न है रीट का मां कि मैं रामायण कर लिखी अब बाकी पूरे राजस्थान में फैल हो गयो लेकिन वे मेहो जी गोदारा आपने ठगा तो अपना तक एरिया का टापर है नहीं वे प्रश्न बढ़िया तरीकों कर गया है, और साहित्य का जगह ज्यादातर प्रश्न है वे आपने बिरकली परलिको नोर कहीं गांव में
बटाया प्रश्न ये आपने ज्यादा है री टेगा और अब धीरे धीरे करके सरकार के कर ला रही है कि थोड़ थोड़ करके पेपर मा राजस्थान भाषा का प्रश्न डालन लाग रही है। तो ये बात का तक तैयार हो जल्दी या कई छोटे माओ कि अपन पूरा पेपर राजस्थानी भाषा में लेकर हिंदी भी मिलेगी अपन अंग्रेजी भी मिलेगी। कि मेरी बात ये ना समझियो कि मैं कोई भाषा को विरोधी हूँ या कोई व्यवस्था को विरोधी हूँ। मेरा जोर ही बात पर ही है कि सारी भाषा सीखो थार में जोर होना चाहिए 50 भाषा सीख लो लेकिन एक आप पर ली सीखा तो आपने कई दिक्कत आवे कोई दिक्कत को नहीं आवे ठीक है। अब ई कड़ी का मां आपने क्षेत्र का मां राजस्थानी भाषा में पहला आप हिंदी में ज्यादा मोटिवेशन शायरी सुनता तो इतना लगाव कम हो लोगों को अंग्रेजी तो आपने पहले भी ये कौन पढ़े उर्दू में आप पोएट्री सुना तहजीब हाफी की सुना और सुना तो कई कई शब्द आपन अर्थ कौन बताओगे बिग बाद में क्यों क्योंकि आपने मेन भाषा तो रहेगी राजस्थानी और राजस्थानी में मटेरियल हो को नहीं बिग बाद में कई के नाम है जकम एक तो सारो बढ़िया और मोटो नाम आपने क्षेत्र में राजस्थानी भाषा में पवन जी सारस्वत को इंस्टाग्राम पर थे देखे होगा लाखों लोग फॉलो करे और ज्यादा धूम धड़ाक वाले शायरी को करे आजकल थाने ज्यादा कही है वे भी पसंद है प्रधान प्रधान करे नी ए दो तीन पतली पिंडी गा रहे गोली मार दिया प्रधान है के मार दोगा है के मार दोगा सुई गडो दे तो कई देर तक नाचो गोली तो मोटी वे आ चीजों दूर रो बनावटी चीजों माँ बाप पर मोटिवेशन शायरी वे पढ़ाई पर वे आपके एरिया पर वे परिवार पर वे दादा पर वे एज की व्यवस्था है नहीं सारों पहला आपने एरियम शुरू करी पौंजी साहब एक नयो ट्रेंड ले गया है एक हाथ में आज विशेष रूप नेरा कांड के आमंत्रित क्रिया भी थी आई हूँ अरबेज की चीजा जगह लोग थाने सोशल मीडिया पर देखे डायरेक्ट आप देखे सुने आनंद एक अलग है। तो अभी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा पवनजी सारस्वत ने और थे चीट का ही रखी हूँ कई देर बाद में पहली बात में बोर होने को अभी पवन जी और आ गया बोर होने को मतलब कौन बढ़िया बात चलेगी बीच में अलग सी बोर होने लग गया तो एक डांस दिखा देगा चल छिया 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 तो थार मुखी भी टिक जाएगा एक तो है जगह पर ना तो डांस हो मतलब मैं ये सोचा भी कच्ची लिया जिम्मन वो कई देर बाद में लिया प्रोग्राम बढ़िया था अलग और कारण ठीक है। अभी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा भाई पवन जी साक्षत ने तो बढ़िया तरीके ताली बजा के स्वागत करो कई देर बाद में मैं फेर आऊंगा क्योंकि आज मैं बेल लू छुट्टी लेगी पहले तो सारा राम राम बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव सलीम जी को गुरु राकेश जी को कि ज्यादा ही बता गया मेरे बारे में मेरे जो इतो डो बोली जे ना तो मेरे तो मरण जी गुरु जी बात करा मन बहुत पसंद आई मेरे यहां आप संगीत हो गलो राजस्थानी की बात करा रहा हूं मैं आप खुद एमएससी बीएड हूं मैथमेटिक्स हूं लेकिन मैंने स्वाद जी तो राजस्थानी माया लगी तो क्या मैं बनी हिंदी पढ़ के देख ली इंग्लिश पढ़ के देख ली सोंग सोंग में पंजाबी पढ़नी लिखनी सारी चीज सीख गया थोड़ा थोड़ा कर लो भोजपुरी कोई कर लिया मतलब 10-15 एक लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज पर पकड़ भगवान की देव सरस्वती देव चौकी है सारों की पढ़ गया जब पाछा घर आएगा नहीं जनाइया लागू जाने ई पर की तो की है ही कोनी हकीकत में आपकी जकी मायर भाषा है बहुत गजब की भाषा है आदमी आपको स्टैंडर्ड ऊंचो करने खातर की बोल दे घटे लेकिन जब घटे झाल आवे नहीं या जब घटे रीस आ जाए या ज्यादा खुश हुए या ज्यादा दुखी हुए तो आप अपनी सागड़ी चीज आओ ये आप अपनी आज का लड़ी है ये या गुरुजी का ये बाया पट ले जे कोई बीन नहीं पान नहीं पण जे घटे उठ जाए तो बे चलो हिंदी में कितनी देर बात कर ले पण रोण उसी नहीं जना कैसी होए मावड़ी है मैं हिंदी में बोल रहा है ए माता जी कभी कौन है राजस्थानी भाषा के अंदर सारो मोटो शब्दकोश है किसी भाषा को इतो मोटो शब्दकोश बनी तो राजस्थानी तो आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आने कारण ही हुई है क्योंकि मेरी तो पिताई की बात है
अंग्रेज जी पता होना नहीं मन तैया लागे तुम सिटी से गोली चली आ तो आदि घेरा हो लागे क्यों भी मां अपन समझ में कोनी आवे तो आपनी भाषा की जकी एक मर्यादा है आपकी एक बहुत गजब की है कोई उल्टूल चीज है कोनी कोई भी आप एक उल्टूल पर एक चीज कोनी मेरी दो लाइनें लिख ली है ऊपर कि बागड़ी बोली हमारी मां की बोली है आप बोली मानना हमारी मां दूध पाम का सिखाई है चार अक्षर अंग्रेजी का पढ़ गया अंग्रेज बन गया ओका तो खैर थारी दिखाई है दोहरा में जामे और अंग्रेजी बोले तो कोई इंग्लैंड थोड़ी रहे दोहरा में जामे और अंग्रेजी बोले तो कोई इंग्लैंड थोड़ी रहे फिर भी तेरी अंग्रेजी बड़ी से भगवान ने तो पता खींचना अंग्रेजी के तो है बात को पग को फणा को मतलब सारी चीजों के डाला के फणा को फिर ही बोलना है इंग्लिश में मन लगे को नहीं कोई भी फणा भी लगे बोलना है गीता भी लगे अंग्रेजी बोला थे लेकिन आपने पकड़ पुकते हैं कोई 20 जिया ना 25 जिया ना नाम ला जी एक उनका कई बार विनोद जी के घर पे एक लाठी गई 20-30 नाम ला जी भैंस का 20-30 नाम ला जी बे एक ना पप्पे लोग एक भैंस की बात है आपने काट रहे हो अलग चीज जाए भैंस अलग चीज जाए धोती अलग चीज जाए धोटो अलग चीज जाए लठ अलग चीज जाए बनू अलग चीज जाए भेटू अलग चीज जाए अरली अलग चीज दूजे कामड़ी अलग चीज दूजे मतलब 70 नाम है हर एक चीज का किसी भाषा में बोला नहीं इतना नाम फिर भी आप आए पढ़ने लग गए और उसको जीवन और उसको बोला मंदिरिया लगे के खान बंद कर दिया क्योंकि जीवन की शुरू में दूर हो जाए नहीं तो जी आस पास नहीं चीज भूल जाए जीवन फिर मैं दो गए याद आ गई अब तुम ये किताबान लोगों के मन पर लियो को उदाहरण दो कि ऊंट को बतो ऊंट क्यों के में अब तुम ये किताबान लोगों के मन पर लियो को क्यों जाने दो कि ऊंट को बतो ऊंट क्यों के में सूद के जगह भुत्ता पिताने बाने के जान छोटा पगड़ा ऊंट क्यों के में सूद के जगह दुत्ता ने पिचाने बाने के जान छोटे टापर के पग्गो बूटियों के वे स्टिक के जगह लाठी ने पिचाने बाने के जान परंगो के दूर खूटियों के वे ऐसे का डेल मिल खा गए कोई कुछ मीठा हो जाए बन के जान घर के मिलोना वो चूटियों के में लाख चीज खाइए वो घर वाली चीज जब खाओ गाने तो भी वो एक स्वाद ही अलग हुआ गुरु जी जब शिक्षा के क्षेत्र में वो करने लग रहे आज की जगह हालांकि ये शिक्षा व्यवस्था गुरु जी का जो आप संतुष्ट कोनी लेकिन जितना भी थे सुन लाग रहे हो सारों में एक रिक्वेस्ट है नई शिक्षा नीति जगह 2020 आईपी के अंदर एक प्रावधान होगा कि बच्चा ना आपकी प्राइमरी शिक्षा है जगह प्राथमिक शिक्षा पा आपकी माँ बोली में दी जाएगी तो भी कतर आज एक तारीख को लगभग हर स्कूल में सर्वे शुरू हुई है तो जितना भी आपने अगर देखे है जगह का टॉपर स्कूल में पढ़े तो मन एक तो ही काम करना है कि जब वे भी सर्वे में पूछे आपने टावरा ने की तारी माँ बोली के तो मन एक चीज बतानी है कि जी मारी राजस्थानी भी चीज ने अगर बताओगा तो वह प्राइमरी जगी प्राथमिक शिक्षा है भी लैंग्वेज में मिलेगी और राजस्थानी भाषा ने मान्यता खातर भी बहुत मजबूती प्रदान होगी तो एक तो काम सारा ने करना है जरूर याद करके करना है बिंग बाद में सारा तैयारी करना ला दिन रात तैयारी करे खूब तैयारी करो तरक्की करो तैयारी करनी थी चाहिए जितने कि नए लाख जो बेरोजगार हो इतना थाने लोग जीवित ही कौन माने कोई जे गली में का टिप्स होते से मान पे जाना हो तो जमड़े लोग तो फिरन खतर है इन और कोई काम ही कोनी और कोई जे नौकरी लागियो तो के देंगे तो मैंने पहले दिन नु जानो अगर बारे जाऊं तो जात जाऊं तो पट तो याद कर तो जाऊं तो लोगों की लैंग्वेज चेंज हुई है दो लाइन वाली खड़ी है कि मोटरो मैंने ताले शमशीर दे पानो कर लियो जवाब एक एक ने देने सब ने और परखण की आदत पुरानी है दुनिया की 11 रुपया सटा परख लिया रब ने और उजाड़ का अंदाजा आंधी का लागे करे थे मेहनत करते तूफान ले भी न कोई रोक सी और आज ही दुनिया में धक्का खाने जीवता मानने नटे नहीं थोड़ा सा कामयाब हुई हो तो लंबा पड़ पड़ के धोक सी किसी है मेरा हाथ थे ही हो थोड़ी सी मतलब जो मिलते ही नौकरी लाग गई कहानी चेंज हो जाएगी सारा ऊपर मैं अठायो गुरु जी बात करी की जी अब अपना पुलिस वाला भाई साहब ये चलान काटेगा तो आज गया
बहुत एक जगह मैं कह सकूं कि दिखावटीपन के अंदर बाइक तेज चलानी, बिना बाइक के बिना हेलमेट के बाइक चलानी, स्टंट करना वगैरह वगैरह, या उलझुल गाड़ियां चलानी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। अन्य देखते हुए मैं जबकि करंट का टॉपिक है वहां पर थोड़ी थोड़ी लिखती हूँ, तो चार लेना यहीं पर सुनाऊंगा कि जगह बाइक गलत चलावे या गाड़ी गलत चलावे कि खुली आंख में भी तस्वीर करना की रखे करो यारो गाड़ी की सौ ऊपर सुई देख है कि खुली आंख में भी तस्वीर करना की रखे करो यारो तारी गाड़ी की सौ ऊपर सुई देख है थारे घर का तो जी तुम बहुत पास थारे खून में डुबड़ी हुई देख है दो पैग मार के गाड़ी थारो भाई चला सी क्यों थारी जिंदगी का सर का दान करो जरकर सिर पर घर का से और सदा को इंतजार है भी सब पर क्यों कब सुन रहा हूं मैं तू अजान को क्या मौत का बाबर का वो फिर टूटे बात था वो एक एक हार्ड ब्रेक लगे सब ने इतनी भी स्पीड में नाच लाए तो लगा जिला ऊपर भगवान का जाकर ब्रेक लगे ये चल रहा बात जब पढ़ाई की आ जाए नौकरी की आ जाए तो वो मेरे को बता दो तो कोई बहुत आंस कर जो मैं भी आज स्थापित नहीं एक बेरोजगारी मैं कोई घरों पर सक्सेसफुल आदमी बनी हूँ एक नॉर्मल सो आज भी मैं कैरी एक स्टूडेंट हूँ कैरी का कवर हूँ करने में छोटे छोटी जगह नेगेटिव रिजल्ट है भाई आपने खत्म कर दिया पास कर दे और आपन यह लगे कि आप लोग आज चीज बोली तीन पोजीशन खाते मेरी चार लगना निकल ये भी होशों वाले पेट थोड़े जवान होशों वाले पेट थोड़े जवान थोड़ा सा मारा टाइम में नीचे मार गयो दो पतवार खाली करने की चाहती नाव में दरिया के किनारे के रोड दरिया के बीच में आ थोड़ा कुछ का खेल और कामयाब हो जाती तो ऊपर वो नेता से बिटा तो वही कौन सा है और तू तो अपने आप नहीं कमजोर मान के बैठ गए जवान नहीं तू उसको करे तो वही कौन सा है क्या हौसला ना गया सब हार गए हौसला ना गया सब हार गए लोग ताल पे तूफान वालों धोती काट रहे हैं वे जबकि लेना ना देख कर तेरे पाल के पाप पे नहीं लोग भी समुद्र का मार तेरे धोती काट रहे हैं आपका दुख दर्द आपने देखना पड़ती भाई तेरे अलावा तेरा तो कोई हरी कौन सके है और तू तो अपने आप में ही कमजोर मान के बैठ गए जवान नहीं तो तू क्या करे वो कोई हरी कौन सके है अरे पहली लारे लार बैठे हुए समोसा हो गया छोड़ तो लो मारो ले रखे तो निवेश से चलो सीधे में क्यों भाई जी समोसा समोसा मिले बाद में पूरी फोड़ ली कोई भी नहीं कर रखे हमारा कोई मतलब कौन नहीं आगे के बोले क्या मिलने तो पड़ा अगला रहते कम सूबर मजो बने मैंने कोई मतलब नहीं शाबाश मर्डर हो तुझका वर्तन है मर्डर हो फिर आज दुख में जिए तो काल सुख में भी जी सी बस थोड़ा सा वक्त ही मान है काल में जोर राग और हौसला राग जीत सी बस डरके तो मान ले तेरी पहले ही हार है कि कर गुजर को जुनून राग सिर पर जीत के जीत को तो तेरे बिना सही कौन सके और तू अपने आप में कमजोर मान के बैठ चले जवान नहीं तू तो कहे वो कोई करी कौन सके एक हालांकि बहुत सारा खुशी की चीज सुनी था है लेकिन अगर कोई शब्द का आदमी है माने शब्द की जितने गहराई करने जावे इतने चीज सुनूंगी स्वाद बन जावे तो एक चीज मैंने सुनाने की कोशिश करूंगा और अगर किसी ने समझ सको ठेठ तक सुन सको तो जरूर वापिस तालियां बजा के मेरे तक फोन मारो काम गया एक माहौल है जगह के अंदर एक बेटी को बात बोली माँ है जबकि आपका एक बेटा और बेटी ने पालन लाग रही है आर्थिक स्थिति ठीक होनी सामाजिक रूप भी बहुत ताना मिलने लाग रहे भी स्थिति में एक बेटी भगवान को सवाल करने लाग रही है और माँ भी को उत्तर देने लाग रही है चार लाइन फिर सामने पेश करूंगा माँ बेटी कहे कि एक तो बेटी को बाप खोस लियो ऊपर की किस्मत इतनी बकवास लिख दी जब रोटी ने पेट की जरूरत बना के भेज दी फिर मेरी पांती क्यों भूख और प्यास लिख दी कि एक तो बेटी को बाप खोस लियो ऊपर की किस्मत इतनी बकवास लिख दी जब रोटी ने पेट की जरूरत बना के भेजी फिर मेरी पांती क्यों भूख और प्यास लिख दी और बेटी तू कागज का टुकड़ा खा गई तो बेटी तू कागज का टुकड़ा खा गई मैं तो ना आज तक कोई ऐसी छोटी चीज सिकड़ी देखी आप भूख एक रोटी बदले जान मांगी माँ मेरी मैं एक कागज के टुकड़े पर रोटी लिखनी देखी मन कह रही आप भूख एक रोटी बदले जान मांगी माँ मेरी नहीं कागज के टुकड़े पर मैं रोटी लिखनी देखी अरे भूख जानी तो मांगी बेटा दे देती कारण भूख जानी तो मांगी बेटा दे देती अब जान किसी मोटियों की भूख हूँ पतो लगाऊ शहर में
कोई मोटर बाबे को शायद भूख मिटा के झाड़ फूक, पता लगाऊं शहर में कोई मोटर बाबे को शायद भूख मिटा के झाड़ फूकू, नहीं तो बेच देगा बेटा ही फूकने। मैं दुनिया में छोटी छोटी चीज भी कड़ी देखी, एक छोटो टुकड़ो तेरे भाई खातर भी बचा के राख लेती, जगह कागज के टुकड़े पर रोटी निकली देखी, एक कागज को टुकड़ो तेरे छोटा भाई खातर भी बचा के रख लेती, जगह पर तो रोटी लिखड़ी देखी। अरे भूखे जीव खातर सोच ले इतनी दया कर इंसान की जात में, कह रहे भूखे जीव खातर सोच ले इतनी दया कर इंसान का जात में है, पर पांती सुख दुख सारा भी हो सी मां, ए देख थारा पांती का टुकड़ा मेरा हाथ में, पर पांती सुख दुख सारा ही हो सी मां, ए देख थारा पांती का टुकड़ा मेरा हाथ में, सच्चाई ने हर मोड़ पर झुकनो पड़ा, मैं झूठ छोटी छोटी टिकड़ी देखी, और मैं दीदी कागज का तीन टुकड़ा कर लिया वहा जगह पर मैं रोटी लिखनी देखी। तो बहुत मार्मिक सी चीज ही, हा भू करने वाली कोई चीज ही कोई, वो तो ये सब सुखो माहौल बनाओ थे। तो कई एक दो बुजुर्ग भी है, मान भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज का बच्चा है, मान थोड़ा सा थोड़ी सी स्वतंत्रता भी थाने देनी चाहिए, कोई चीज मां पर थोपनी नहीं चाहिए। अगर मान ले कोई कोई भी फील्ड में इंटरेस्ट है, भी फील्ड में ही जाऊं खातर मन प्रेरित करना चाहिए, दो लाइना मेरी लिखड़ी है, और आजकल डरा धमका के रख नो माहौल रहे हो नहीं, दो लाइना के माध्यम में मेरी बात मां तक पुगानी चाहूंगा कि औलाद खातर मायता कन टेम रहो कोनी, ना बन आछो माड़ो करण को कह, जिम्मेदारी आलो बोझ बचा के रखे, फिर जिम्मेदारी पड़े जना औलाद मरण को कह, रोटी के साके औलाद ने टेम भी दो, बस कच्ची टांगी हेली बना के रखो, टाइम की नजाकत में समझो दादा, औलाद ने बेली बना के रख दे, औलाद ने अगर आज की तारीख में बेली बना के रखोगा तो ही औलाद रहेगी, नहीं तो आज की सिचुएशन बहुत खतरनाक है। आप आज का जगह आपके अपनी उम्र में आप जद भी टावर आता आपनो सारा जो पहलो बेली हो बे हा आपनो दादो, और दादे का सारा लास्ट बेली हो तो है पोतो, आपना सारा पे देखो पहले बेली हो वो दादो ही है, जानते ही दादे ने तो आपकी औलाद आ देखी अच्छी नहीं लगा, पर पोतो ही तो अच्छा लगा, क्यों मूल नो ब्याज पे हुए, दो लाइना में दादा पर भी सुनाऊंगा। धन्यवाद नीचे करो गुरु जी, सुनील जी को, गुरु जी राकेश जी भाटी को कि आए अंग लायक समझा सेट कर मंच दियो, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। नया साल की अंग्रेजों को जो को नव वर्ष है अंग्रेजी कैलेंडर को बिना पानी सारा ने शुभकामना थाने खूब तरक्की देवे भगवान, हंसता खेलता रहो मजा करो मोटे रहो। बहुत ही खूब बहुत ही सासु ये थे हमारे बीच में, बच्चों को भी मजा आया और बड़ों को भी खूब मजा आया, ठीक है। और अभी हमारे बीच में एक और गणमान्य व्यक्ति हमारी इस अतिथि श्रृंखला में शामिल हुए हैं, रामकरण जी, मैं चाहूंगा कि एक बार हाजिरी दें खड़े होकर के एक बार जोरदार क्लैपिंग करें उनके वेलकम के लिए। पूनम फाउंडेशन से हमारे बीच में है रामकरण जी, और अभी देखिए कुछ लोग जा रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपका देखिए बच्चों का जो कार्यक्रम है वो सर ने रखा हुआ है वो उनके अकॉर्ड होगा, लेकिन उससे पहले हम आज के इस कार्यक्रम का जो विजन और रीजन है तो उसके लिए मैं सलीम सर को इस मंच पर लेना चाहूंगा आप सबके बीच में। सलीम सर पिछले 16 सालों से अपने इस एजुकेशन लाइन का जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और इनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। सो मोस्ट वेलकम सलीम सर। धन्यवाद सर, जिंदगी में पहली बार माइक पर बोल रहा हूं, शायद कुछ ऊपर नीचे हो जाए, साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम सर, दिनेश भाई, रामकिशन जी, राकेश भाटी सर, सातवें साहब, सुख सिंह सर, अब किन किन का नाम लूं, मैं एक छोटे से नाजीज के लिए ऐसे ऐसे वक्ता ऐसे ऐसे टीचर खान सर जो भी यहां से जा चुके हैं उन्होंने टाइम निकाला, मेरे से उनके लिए कुछ बोला नहीं जा सक रहा, शायद डैनी भाई मेरे को देख के हंस रहे हैं,
क्या करूं, कभी मैंने यहां नहीं क्लास में अगर कोई मैथ का सवाल या कुछ और होता तो मेरी कोशिश पूरी रहती कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। और राकेश सर ने जो यूट्यूब के जीके के भाई जादूगर ले लो, ठीक है, उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। सिर्फ एक कॉल मैंने उनसे पूछा था कि मैं सर ऐसा कर लू, तो मैं आ गया भाई। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बोलू सर। और आप सभी को वापिस हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रेम सर आपने भी बहुत वक्त निकाला, उसके लिए भी धन्यवाद। अब और सर कोई बोलना चाहे, और उसके बाद थोड़ा सा इन बच्चों का भी दिल लग रहा है सर, इसलिए टाइम थोड़ा लंबा खिंच गया। गोदारा सर, मेरे को नाम अचानक से महेंद्र जी गोदारा सर, नहीं नहीं आजकल बच्चों को देखकर मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूं मैं आपको। देखो जेब में चाहे रुपया ना हो, 10,000 का मोबाइल लेकर और उसमें गाना क्या चलाते हैं, आबरा हिले डाबरा हिले पटना हिलेरा। प्रेम सर मैं सच्ची कह रहा हूं, थोड़े दिन बाद उनके परिवार का घर ही हिलता है सर। और मैं उनके बाद एक बात और बोल दूं सर, आम गए अमरूद गए और अंगूर खट्टे रह गए, सारे मजनू मर गए, ये सारे उल्लू के पट्टे रह गए। गुरु जी आपने गाना की बात करी, मैंने एक बात याद आ गई, मैं जो 2-3 दिन पहले आपके 10 दिनों सुन ला गया एक कोई गुरु जी जी पुराने टाइम में जो कोई घर होता नहीं, कोई दिन में कमा कमो गए आपन घर होता खाने पीने की सुविधा बदगी, पिज्जो बर्गर फलान बदल पिया पिया खाने भूख ही बदगी। अब एक भाई बा कई दिनों गाने गाने लग रहा जी तू शकर काचन खा जो तेन तो तू खा ले भाई ठोक जा छोटी ना लबोलो अधूरी काचन खा जो काचन कोई छमक छमक खा ले काचन फिर बन पड़ जी। देखिए ये है कवि पवन सारसूत जी, बात पर बात याद आना बहुत ये इनकी खासियत होती है। ये इनके अंदर ऐसी स्किल भगवान ने डेवलप की है कि जब कोई कह रहा है उसके संबंध में कुछ बात याद आ जाती है तो शेयर करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। सो पवन जी के लिए एक बार फिर क्लैपिंग हमारे आज के इस मंच पर पहुंचे। देखिए ऐसी प्रतिभाएं जब सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मैं आज के इस मंच पर आप आज के लास्ट नहीं है बट नॉट लिस्ट हमारे रामकरण जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको इस मंच पर लेना चाहूंगा, आपको प्रेरणा के लिए कुछ कहना चाहेंगे और इसके बाद बच्चों का कार्यक्रम शुरू है। राम राम सारा ने। और आज नए वर्ष पर आपने लिए विशेष कार्यक्रम रखे हो गुरु जी, राकेश जी बाटी, सलीम जी, पवन जी और जो गोदारा स्कूल इंस्टीट्यूट है आपकी पूरी टीम। और बड़ो हर्ष को विषय है कि नए वर्ष पर आप एक नई शुरुआत करने लग रहे हैं और इस शुरुआत के ऊपर अगर आप देखा कि जब नई शुरुआत करा तो बहुत कम संख्या परिपाटी में हट गया अपन देखने मिले कोई अच्छा अगर कोई अखाड़ो लगाए हो तो या मनोरंजन को कोई कार्यक्रम हो तो बहुत सारा लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब भारत ने आगे बढ़ाने की बात करा, देश ने आगे बढ़ाने की और मानवता ने आगे बढ़ाने की बात करा तो एक अलग हटके काम करना पड़ा। और भी काम ने आज वो पूरी समर्पित टीम है जो मंच पर बैठी है अंग वो प्रयास है कि लगातार आपा कुछ करा। राव सर मैं देखने आ रही हूँ, पहला उदयपुर में भी राकेश जी भाटी बहुत गजब की टीम स्थापित करी और मैं भी चाहूँ कि मारो जो सूरतगढ़ एक शिक्षा नगरी की हब है बैठे अंगी जो पूरी टीम है
पवन जी है, सलीम जी है, राकेश जी है या और भी अगर साथी भाई बंधु है, वे लगातार मेहनत करें और एक न्यूनतम श्रेणी पर एक बहुत कम लागत मूल्य पर एक शिक्षा को जो इंस्टीट्यूट है वो निर्धारित करें। तो मैं आशा करूंगा हूं पूरी टीम हूं कि जो क्षेत्र का बच्चा है वह लाभान्वित होगा और अपना सगड़ा मिलके एक अच्छो भारत वो निर्माण करांगा और इंसानियत ने बचाने की कोशिश करांगा। रही बात पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट की, जो लगातार 2006 झुग्गी झोंपड़ी और कच्ची बस्ती में निःशुल्क शिक्षा अभियान चला रखे है, और पूरी टीम को योगदान है, पूरे भारतीयों को योगदान है और थारे सारे सब भाई बंधुओं को योगदान है। छोटो सा निवेदन करूं, फेसबुक पर जाया पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट लिखा और भी पेज ना जरूर थे फॉलो करा ताकि मारो भी हौसलो अफजाई हो रहा है। आई शब्द का सागे खम्मा गणी सा एक अच्छा जो है वो समय लेकर आए और आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जिन जो भी यहाँ पर मंच पर विराजमान है उन लोगों ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया और मेरी मुझे अपनी बात को रखने के लिए योग्य समझा, उसके लिए उन सब का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के अंतर्गत मैं राजस्थान जीके और हिंदी साहित्य से मेरा नेट JRF है, तो हिंदी साहित्य का भी मेरा चैनल है, उसके अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद में मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर सफल होना है तो आपको लंबे समय तक और रेगुलर